वे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो निकल चुके हैं फिर से एक नए सफ़र के लिए और वो सफ़र होने वाला है दरभंगा टू अयोध्या जी के लिए। तो अमृत भारत एक्सप्रेस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस जर्नी के लिए। और हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है, 3 बजे यहाँ से डिपार्चर करेगी। और जो आज जो है ना 22 जनवरी है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इसके लिए जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है ना मतलब रेलिया में बिजी हैं। इसीलिए आज दरभंगा जो है ना स्टेशन पूरा खाली खाली दिख रहा है। और मेरे पीछे अभी खड़ी हुई है ये जयनगर भागलपुर, जो अभी भागलपुर से जयनगर जाएगी, जो कि बिफोर आ चुकी है और अभी डिपार्चर करेगी। और हमारी ट्रेन जो है ना आशा करते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जाएगी। तो ये ट्रेन दरभंगा से अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी कवर करेगी 11.5 घंटे में। और ये ट्रेन जो है ना दरभंगा से 3 बजे यहाँ से डिपार्चर करेगी और हमें रात के 2:30 बजे अयोध्या जी छोड़ेगी। टाइमिंग थोड़ी जो है ना इस ट्रेन की अल्टर है, क्योंकि आपको पूरा रात जो है ना आप सो नहीं पाओगे, 2:30 बजे आप छोड़ रही है। तो देखते हैं कि ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म पर कितना देर बिफोर लगती है और हम लोग फिर डिपार्चर कर पाते हैं। तो अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे खड़े हैं और 2 लाइन जो है ना 2 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7। दरभंगा में बहुत ही ट्रैफिक होने वाली है क्योंकि बाईपास जो है ना एक लाइन भी बन रही है जो ककरघट्टी से सीसो के बीच में आ रही है। और दरभंगा रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। आप यदि रात में आते हैं या फिर कभी भी आप आते हैं 24 आवर आपको दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कैब की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और आप दरभंगा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटेयरिंग रूम मिल जाएंगे जो कि बहुत ही सस्ता है। आप यदि डोरमेट्री लेना चाहते हैं नॉन एसी तो सिर्फ आपको 95 रुपये में जो आपको डोरमेट्री मिल जाएंगे और आप यहाँ पे 24 आवर के लिए अपना डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए आप IRCTC के वेबसाइट पे जाकर बुक कर सकते हैं, रिटेलिंग वाले सेक्शन में जाके, और आप इंक्वायरी काउंटर पे भी आप जाके बुक कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत एंट्री हो रही है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस की, जो कि WAP-5 के साथ है, मॉडिफाइड है लोकोमोटिव, जो कि एरोडायनामिक लुक दिया गया क्योंकि काफ़ी सुंदर लग रही है ऑरेंज कलर में। तो बाहर से आप देख सकते हैं इस ट्रेन का जो है ना कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी शानदार है। और बाहर मैंने एक डिस्प्ले बोर्ड भी दिया गया है जो कि आपको उसका ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम जो है ना डिस्प्ले बोर्ड पे आपको देख सकते हैं आप। और मेरा कोच है S7, तो मैं दिखाता हूँ आपको S7 का इंटीरियर, इसका स्लीपर जो है ना इंटीरियर कैसा है। आप बाहर से देख सकते हैं ये ऑरेंज पट्टी और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दिखाते हैं आप इसका इंटीरियर, जो इंटीरियर में ये ट्रेन कैसा है बाकी ट्रेन से जो है ना ये इसको अलग कैसे बनाती है अमृत भारत को। तो अब जब प्रवेश करेंगे तो नॉर्मल ही है। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो पर्पल कलर का जो है ना सीट दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पर्पल और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और सॉकेट की बात करें तो इस ट्रेन में ना हर पैसेंजर के लिए एक एक सॉकेट, डेडिकेटेड सॉकेट दिया गया है, यानी कि इस ट्रेन में ना 8 लोग बैठने की एक केबिन में कैपेसिटी है, तो 8 जो है ना सॉकेट दिया गया है, इधर 2 सॉकेट बाकी 2 नीचे देख सकते हैं और बाकी साइड लोअर और साइड अपर में। सामने आपको मिरर मिल जाएंगे और ये आपको फूड वगैरह खाने के लिए आपको ये ट्रे मिल जाएंगे, आप फूड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर सीट के पास आपको जो है ना बोतल होल्डर मिल जाएंगे, ये बहुत ही अच्छा बोतल होल्डर है, इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और ये मेरा सीट है 80 साइड अपर बर्थ। और ये देख सकते हैं आप कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत है। आप गेट में एंट्री करते हैं तो आपको कई सारे जो है ना CCTV कैमरेज मिलेंगे, देख सकते हैं 2-3 CCTV कैमरे जो है ना आपको एंट्री गेट के में मिलेंगे। और आप देख सकते हैं ये आपको जो है ना डस्टबिन मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा है। और ये आप जो है ना फूड ऑपरेटिंग टैप है, आप यहाँ से इसको पुश करिएगा फूड से और पानी उसके बाद निकलेगा। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो कि काफ़ी सारे ट्रेन में जो है ना लिक्विड सोप नहीं होता है, लेकिन इसमें लिक्विड सोप का भी व्यवस्था है, तो काफ़ी अच्छा लिक्विड सोप है। और फायर डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है इस ट्रेन में, क्योंकि आग लगने की स्थिति पर यार फायर डिस्ट्रीब्यूटर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका टॉयलेट, तो चलिए देखते हैं टॉयलेट इसका कैसा है। ये टॉयलेट है, यदि फुल होगा तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, अभी टॉयलेट में कोई नहीं है तो अभी ग्रीन सिग्नल है। तो ये अब आप प्रवेश करिएगा तो यहाँ पे भी आपको जो है ना पुल करने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप प्रेस करिएगा तो यहाँ से पानी निकलेगा।
और बाकी जो है बहुत ही अच्छा सामने मिरर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बायो वैक्यूम, आपको बायो वैक्यूम टॉयलेट मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत है, आप ये प्रेस करिए। अमृत भारत का जो फर्स्ट जो है ना इनोग्रल रन जो हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 2023 को, और फर्स्ट कमर्शियल रन हुआ था 1 जनवरी 2022 को। और ये दरभंगा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो कि फर्स्ट अमृत भारत जो है ना दरभंगा को मिली, और अयोध्या के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है ये। और यदि आप अयोध्या जाना चाहते हैं या आप आनंद विहार जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रेन और बेस्ट रूट रहेगा। इस ट्रेन में ना दो इंजन लगे हुए हैं, एक आगे और एक पीछे, एक इस ट्रेन को पुल करेगी, एक पुश करेगी। WAP5 लोकोमोटिव को मॉडिफाई किया गया है, एरोडायनेमिक लुक दिया गया है। तो चलिए, ट्रेन का टाइम हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है, तो डिपार्चर करते हैं। राइट में ट्रैक दिख रही है, वो चली जाती है जयनगर के लिए, और हमारी ट्रेन अभी बढ़ रही है सीतामढ़ी वाली रूट पे, और हमारी ट्रेन जाएगी भाया सीतामढ़ी नरकटियागंज गोरखपुर मनकापुर होते हुए अयोध्या। तो आपको मिट्टी वाली सड़कें दिख रही है, इस पर एक नई ट्रैक भी छाई जाएगी, और दरभंगा के लिए एक बाईपास जो है ना स्टेशन बनाया जाएगा सीसो ककरखट्टी से सीसो के बीच में, एक नई लाइन जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देख सकते हैं आप जो मिट्टी वाली आपको दिख रही है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाने के बाद जितने भी नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन आती है ना भाया अररिया को जोड़ दिया जाएगा, और बाईपास सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर हुए ट्रेन को निकाल दिया जाएगा, और इंडियन रेलवे के लिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो देख सकते हैं आप नया ट्रैक और अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगी हुई है मुहम्मदपुर में दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस जो जलंधर से दरभंगा के बीच में चलती है, वीकली है, और अभी जो है ना 4 घंटे की विलंब से चल रही है, और दरभंगा में से इसे मुहम्मदपुर में रोका गया है, और हमारी जो अमृत भारत है इसे निकाला जा रहा है, और ये लूप लाइन में से लिया गया है। मेन एक लूप लाइन में फर्स्ट पे तो अंत्योदय खड़ी है, मेन ट्रैक पे कोई और ट्रेन खड़ी है, और हमारी ट्रेन जो है ना दूसरे लूप लाइन से निकल रही है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है ना कम कर दिया गया है। WAP7 के साथ दिख रही है शानदार लुक में ये बागमती सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो दरभंगा से मैसूर के बीच में चलती है। दरभंगा में जगह नहीं है इसीलिए इसे जो है ना मुहम्मदपुर में यार्ड के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए शानदार कर्व है, और कई सारे लोग ना उत्सुक रहते हैं इस ट्रेन को देखने के लिए। मुहम्मदपुर से हमारी ट्रेन निकल रही है सेकेंड लूप लाइन से, काफी खूबसूरत ये कर्व है। और ये जो है ना पर्पल पट्टी बनाया गया है, और साइड्स में जो है ना दोनों साइड रिफ्लेक्टर लगाया है जो कि आपको रात में जो है ना और दिखाई दे सके, और काफी खूबसूरत दिख रहा है इसका इंटीरियर। अभी खाली है तो मैं दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कितनी शानदार लाइटिंग है, कितना शानदार इसका कलर कॉम्बिनेशन है, पर्पल के साथ ग्रे अच्छा दिख रहा है। इस डिस्प्ले पे आपको ना ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम और अगला स्टेशन कितने देर में आने वाला, कितना किलोमीटर बाकी है, सब उस पर आपको बताया जाएगा। तो आप अपने सीट पे से देख सकते हैं जो हमारा जो डेस्टिनेशन कब आने वाला है, कितने देर में आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बाकी जो है ना अमृत भारत को यही सब चीज़ें अलग बनाती है बाकी ट्रेनों से। कुछ जो है ना आज तक स्पेशल ट्रेन चलाने वाली है भाया अयोध्या के लिए, तो ये देख सकते हैं ये ट्रेन जो है ना जो कोच है यहाँ पे खड़ी हुई है, रूट डिसाइडेड नहीं है, पता नहीं कौन से रूट की है, लेकिन ये आज तक स्पेशल ट्रेन रेलवे चला रही है अयोध्या के लिए, ये खड़ी हुई है यहाँ पे। और कमतौल से हमारी ट्रेन जो है ना डिपार्चर हो रही है, हमारी ट्रेन अभी जो है ना जय जनकपुर रोड में जो प्रवेश कर रही है। देख सकते हैं आप पैसेंजर में काफ़ी उत्साह है, सब अपने अपने फ़ोन जो निकाल के इस पल को कैद करना चाहते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह जो है ना अभी शायद बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ईंट वीट डाला हुआ है, काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी पैसेंजर इस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इस रूट में जो है ना ट्रेन भी बहुत लिमिटेड ट्रेन है, तो जो भी ट्रेन मिलता है तो पैसेंजर तो ट्रैफिक होगा ही।
तो 67 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन का जो है ना स्टॉपेज आ चुका है सीतामढ़ी, जो तिरहुत बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, जिन्हें जानकी जी का धरती भी कहा जाता है, सीता जी का यहाँ पे जन्म स्थान भी माना जाता है। और इस ट्रेन की बात करें, इस ट्रेन की फेयर की बात करें, इस ट्रेन की कोच पोजीशन की बात करें, इस ट्रेन में ना टोटल 12 स्लीपर के कोच लगे हुए हैं, ये नॉन एसी अमृत भारत है, और 8 जो है ना जनरल के कोच लगे हुए हैं, यानी कि अनरिजर्व कोच के लगे हैं, 4 आगे लगे हैं और 4 जो है ना इसके अनरिजर्व कोच पीछे लगे हैं, और बीच में इसका स्लीपर है। इस ट्रेन की फेयर की बात करें तो आप यदि दरभंगा से अयोध्या जाना चाहते हैं स्लीपर में तो आपको 350 रुपये किराया देना पड़ेगा, यदि आप अनरिजर्व कोच में जाना चाहते हैं तो आप 200 रुपये में जा सकते हैं, और यदि आप आनंद विहार जाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रेन में जो है ना स्लीपर में 600 रुपये लगेंगे, और यदि आप अनरिजर्व में जाना चाहते हैं तो आपको आनंद विहार तक के लिए देना पड़ेगा 360 रुपये। सीतामढ़ी से हमारी ट्रेन जो है ना डिपार्चर होते हुए तो 50 किलोमीटर दूरी तय करके हमारी ट्रेन आ चुकी है रक्सौल, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है, और यदि आप नेपाल वगैरह जाना चाहते हैं तो आप यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे यहां से आपको नेपाल है, और यदि आप यहां से बस वगैरह लेना चाहते हैं काठमांडू के लिए जना के लिए तो आप यहां से रक्सौल से ले सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं आप रात में ये ट्रेन लाइट वाइट बहुत अच्छी है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म संख्या जो है ना एक पे खड़ी हुई है रक्सौल लोकमान तिलक एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से खुलेगी कुछ देर में। इस ट्रेन का ना रात का व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, और नाइट में लाइट वाइट जब सब जलने के बाद, और अपर बर्थ के लिए ना आपको हेडरूम जो ना इसका थोड़ा बाकी ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप यदि अपर बर्थ भी है तो आराम से बैठ सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, और जो साइड अपर है उसका भी, और जो ये नॉर्मल अपर है उसका भी हेडरूम देख सकते हैं, काफ़ी सही है। और ये पंखा का जो है ना डायरेक्शन वो भी सही है, और बाकी ट्रेन में क्या होता है ना आपका जो फैन चलता है उसको साइड अपर वाले पे हवा नहीं आ सकता, लेकिन इसका जो फैन है ना ये आप साइड अपर वालों को भी हवा अच्छे से आएगा, तो आप गर्मी में भी सही है। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और हमारी ट्रेन आ चुकी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन 340 किलोमीटर दूरी तय करके, और हमारी ट्रेन अभी थी ECR रेलवे जोन में और अभी आ चुकी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का बहुत ही प्रमुख रेलवे स्टेशन है गोरखपुर, और गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन हमारी अयोध्या धाम में प्रवेश करती हुई, और काफ़ी खूबसूरत स्टेशन रेलवे स्टेशन लग रही है, देख सकते हैं आप ये टेम्पल का डिज़ाइन दिया गया है, ये भीड़ देखिए भाई भीड़ काफ़ी लोग। तो गाइस अभी रात के ना 3 बजे हैं और इस अमृत भारत ट्रेन को ना 2:30 बजे आना था, लेकिन धुंध इतना है ना जो अभी 3 बजे भी आ गई, तो आप कह सकते हो ना टाइमली है, और हमारी ट्रेन जो है ना दरभंगा से चली थी ऑन टाइम और यहाँ 3 बजे छोड़ दी है, जो कि रात के 3 बजे, और नींद तो डिस्टर्ब हुई है, तो आशा करते हैं आपको ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, तो बाकी जो है ना अयोध्या एक्सप्लोर करते हैं, और आपको भी हमारे साथ वर्चुअली आप एक्सप्लोर करिए अयोध्या। तो ये थी हमारी दरभंगा से अयोध्या की जर्नी, तो वीडियो कैसा लगा आपको, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, टूर इंडिया को बढ़ाइए। जय हिंद, धन्यवाद।